हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। यस, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और फ्यूजन के पार्ट है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो है क्या बाइनरी फ्यूजन में, इट ऑकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। यस, फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, मीन्स जिस इन्वायरमेंट पे कोई ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर सके उसको कहते हैं फेवरेबल कंडीशन। तो बाइनरी फ्यूजन के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जबकि मल्टीपल फ्यूजन के लिए इट ऑकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। क्योंकि इन्वायरमेंट में जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, तो यदि कंडीशन अनफेवरेबल है मीन्स कुछ टेम्परेचर कम ज़्यादा या प्रेशर कम ज़्यादा या फिर मॉइस्चर कम ज़्यादा, इस तरह का कंडीशन है, तो उस केस में जो है वो मल्टीपल फ्यूजन आकर होगा। सेकंड पॉइंट है, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ दो ही न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, जबकि मल्टीपल फ्यूजन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं। बाइनरी फ्यूजन में न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डिवाइड होता है, जबकि मल्टीपल फ्यूजन में न्यूक्लियस जो है वो बहुत बार डिवाइड होता है, क्योंकि तभी तो मल्टीपल फ्यूजन होगा। आगे है, प्रोटेक्टिव लेयर नॉट फॉर्म्ड। तो किसी ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट कब होता है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है। लेकिन जब इसमें फेवरेबल है तो फिर प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म होने का कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए बाइनरी फ्यूजन में प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म नहीं होता है, जबकि मल्टीपल फ्यूजन में प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होता है, क्योंकि इनको अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करना पड़ता है। और जब वो कंडीशन फेवरेबल हो जाता है तभी वो न्यू ऑर्गेनिज्म को रिलीज कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो सिस्ट होता है, जो हम लोग मल्टीपल फ्यूजन में देखेंगे।